हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेगाज ब्लॉसमिंग गार्डन। दोस्तों, आज जिस फूल के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ उसका नाम है डहलिया। क्या आप जानते हैं डहलिया मेक्सिको का राष्ट्रीय फूल है? इसका नाम स्वीडिश बॉटनिस्ट एंडर्स डहल के नाम पर पड़ा। डहल का मतलब है वैली और डहलिया यानी वैली फ्लावर। और हॉलैंड देश 50 मिलियन डहलिया के ट्यूबर्स हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचता है। इससे इसके पॉपुलर होने का पता चलता है। ये और इस तरह की जानकारी मैं लाऊंगी आपके लिए इस पूरे वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। डहलिया का कॉमन नेम है ट्री डहलिया। ये पेरिनियल श्रब्स हैं। इनका बॉटनिकल नेम डहलिया इम्पेरिलिस है और ये एस्ट्रेसी यानी कि सनफ्लावर की फैमिली से संबंधित है। ये साउथ मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका का नेटिव है। डहलिया को आसानी से ग्रो किया जाता है पॉट में या कैरियों में। अगर डहलिया के लिए सारी परिस्थितियां सही हों तो ये पौधा बहुत ही ब्राइट रंग के फूल खिलाता है। डहलिया को हम बल्ब्स और सीड्स दोनों से उगा सकते हैं। इनको स्टेम कटिंग से भी लगाया जाता है और ये जड़ की कलम से भी उगाया जाता है। आप इन्हें सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में ग्रो कर सकते हैं। ये नॉर्मली 5 से 7 दिनों में जर्मिनेट हो जाते हैं। अगर डहलिया को 70 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर मिल जाए तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इनकी बीजों को हीटिंग मैट के ऊपर रखे या रेफ्रिजरेटर के ऊपर रखे तो डहलिया की बीजें जल्दी जर्मिनेट होती है। इन्हें 8 हफ्तों का समय लगता है फ्लावरिंग पर आने के लिए। डहलियाज विंटर में खूब अच्छे से ग्रो करते हैं। ट्यूबर्स को जब आप लगाएं तो तुरंत पानी न दें, इससे ट्यूबर्स के खराब होने का खतरा होता है। बहुत ही कम पानी दें और इंतजार कीजिए, और जब स्प्राउट्स निकलने लगे मिट्टी के ऊपर तो ही पानी दें। ट्यूबर्स को बिल्कुल मल्चिंग न करें, उससे स्प्राउटिंग में बाधा उत्पन्न होती है और ट्यूबर्स स्प्राउट नहीं कर पाते हैं। डहलियाज की कई वैरायटी ऊंची होती है और कुछ वैरायटी 4 से 5 फीट ऊंची होती है। डहलियाज को कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप तो आवश्यक है। सुबह की धूप डहलियाज के लिए बहुत अच्छी साबित होती है, इसलिए अपने डहलिया के पौधे को वहां रखिए जहां ज्यादा से ज्यादा धूप आती हो। जितनी धूप इन्हें मिलेगी उतने ही ज्यादा फूल खिलेंगे। ये शेड में बिल्कुल भी नहीं चलते और ज्यादा ठंड तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। डहलिया को कैसी भी मिट्टी चलेगी, बस मिट्टी सौगी न हो। अच्छी वेल ड्रेन्ड मिट्टी होनी चाहिए। इन्हें मॉइस्ट और न्यूट्रिएंट से भरपूर मिट्टी पसंद है। मिट्टी का पीएच 6.5 से 7 हो तो डहलिया बहुत अच्छे से चलता है, मतलब मिट्टी थोड़ी एसिडिक होनी चाहिए। अगर मिट्टी भारी है तो आप मिट्टी में रेत भी मिला सकते हैं और उसमें पीट मॉस या खाद भी मिक्स कर सकते हैं, जिससे कि मिट्टी हल्की और लूज बने। खाद में आप गोबर खाद दे सकते हैं। इसे ओवर वाटरिंग या ओवर फर्टिलाइज बिल्कुल न करें, उस स्थिति में डहलिया फ्लावरिंग नहीं करेगा। इन्हें मॉडरेट पानी पसंद है। पानी डहलिया को कम ही दे जब ये फ्लावरिंग पर आ जाए तो। डहलिया की एक और अच्छी बात है कि डहलिया को क्लाइमेट में जो फ्लक्चुएशन होते हैं उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत ही फायदेमंद बात है डहलिया की, जो कि बाकी कई लोकप्रिय फूलों में नहीं होती है। इनकी कई वैरायटीज आती हैं, जैसे कि सिंगल फ्लावर डहलियाज, कलरेड डहलियाज, कैक्टस डहलियाज, पियोनी फ्लावर डहलियाज, पॉम्पॉम डहलियाज जो कि 2 इंचेस के होते हैं, डेकोरेटिव और सेमी कैक्टस डहलियाज, और भी बहुत सारी वैरायटीज हैं। इनके फूल कई शेप्स और साइज में आते हैं और इनके कई रंग आते हैं, जैसे कि रेड, पिंक, लवेंडर, पर्पल, ऑरेंज, येलो और वाइट। कई सिंगल पेटल के होते हैं और कोई बॉल शेप का होता है, कोई ट्विस्टेड कर्ल्स पंखुड़ियों के होते हैं। इनके एक स्टेम पर एक ही फूल आता है और फूल इनके 2 इंचेस डायमीटर से 1 फीट डायमीटर तक के होते हैं, मतलब कि काफी बड़े फूल होते हैं। इतने की हाथों में भी समाए नहीं, इतने बड़े होते हैं। इनके फूलों के बीच में सेंट्रल डिस फ्लोरेट होता है और आजू बाजू के रे फ्लोरेट्स होते हैं। एक एक फ्लोरेट्स अपने आप में एक फूल की तरह होता है। इनकी पत्तियां कई शेड्स में आती है। पत्तियां इनकी दोनों ओर अपोजिट साइड्स में अरेंज्ड होती है। डहलियाज डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है।
इन्हें कट फ्लावर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। डहलिया के पौधे जैसे जैसे बड़े होते हैं, इन्हें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इनके फूल जब ग्रो करते हैं और बड़े साइज के होते हैं तो बहुत भारी पड़ते हैं पौधे पर, तो इन्हें अच्छा सपोर्ट सिस्टम देना बहुत ज़रूरी है। जब डहलिया के पौधे 1 फुट के हो जाएं, तो इन्हें अच्छी मोटी लकड़ी के साथ टाई कर दीजिए ताकि इनकी स्टेम टूटे नहीं। सारे फूलों में बेहद ही खूबसूरत फूल डहलिया का दिखता है। ये फूल मानो बगीचे के रास्ते के लाइन में सिर ऊंचा करके खड़े होते हैं। डहलिया सुगंधित फूलों के साथ साथ रंगों का भी एग्जॉटिक फायरवर्क का प्रदर्शन वर्ष समापन के साथ करता है। तो अगर आपके बालकनी या टेरेस गार्डन में अच्छी धूप आती हो तो डहलिया को अपने विंटर फ्लावर लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए और बगीचे में ढेर सारे फूलों के रंग उधेड़िए। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेगा। शेयर करें अपने दोस्तों से। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें। फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पर और लाइक करें मेरे फेसबुक पेज पर। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।